बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत माउथ वाटरिंग रेसिपी है, जो कि है चिकन तवा कीमा की। बनाने में बेहद आसान है। कीमा आधा किलो लिया है। हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं। प्याज है एक अदद, गार्लिक जिंजर, टू टमाटर लिए मैंने, पुदीना और हरा धनिया लिया है। तवा गरम करेंगे, इस पे कुकिंग ऑयल डालेंगे, उसके बाद उसमें प्याज डाल देंगे। प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। उसके बाद अदरक लहसुन मैंने कूट लिया है, वो डाल दिया है। इसका भी थोड़ा सा कलर आने तक पकाएंगे। इसके बाद टमाटर डाल देंगे, इसे भी एक मिनट तक पकाएंगे। अब कीमा ऐड कर देंगे। इसे दो मिनट तक पकाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे, दो मिनट तक पकाएंगे। अब ढक्कन ढक देंगे इसे। तीन मिनट तक इस तरह से लिड ढके रखेंगे। स्पाइसेस में मैंने यूज़ किया है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, रेड फ्लेक्स चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, दही लिया है 1/2 कप। अब ढक्कन हटाकर देखेंगे। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। हमारा आधा कीमा पक चुका है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे, चिली स्पाइसेस डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसे 5 मिनट तक ढक्कन लगाकर पकाएंगे। ये देखें, कीमा तैयार है। अब इस पर अदरक डाल दिए हैं मैंने कटा हुआ बारीक, धनिया और हरी मिर्चें डाल दी हैं। हमारा तवा कीमा बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।